हेलो यूनो फैमिली, दिस इज डॉक्टर महमूद खान फ्रॉम डिटॉक्स क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश। आज मैं आपके सामने कोई ट्रीटमेंट नहीं लेकर आया, आज मैं आपके सामने कोई कपिंग या हिजामा की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट लेकर आया इस बारे में सारी दुनिया जानती है और कुछ लोग आप भी जानते हो, जिसके बारे में बोला जाता है कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसके बारे में आप जानते हो, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में डरे हुए हैं, इसके बारे में बीमार पड़ रहे हैं, लोग की मौतें भी हो रही है ना। तो इस चीज़ के बारे में हमें अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि ये किस चीज़ से होता है, क्यों होता है, इस चीज़ के बारे में आज आपका पूरा वीडियो पहले बताऊंगा। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें पास्ट में देखना पड़ेगा कि ये है क्या। कोरोना वायरस जो है एक वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, इसके अंदर पहले भी ऐसी बीमारियाँ हो चुकी हैं जो एक सार्स और मर्स करके बीमारियाँ थी, जो कि 2012 के अंदर दुनिया में आई थी। एक तरीके से आप समझ सकते हो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा है, 50 साल है, 60 साल है, और उसको एक तरीके से सर्दी है, बुखार है या अस्थमा है, तो ऐसे लोगों की जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक होती है ना। वीक होने की वजह से क्या होता है, अगर ये किसी भी तरह से कोरोना के सिम्टम्स में आते हैं तो ये वायरस जो है बॉडी पे असर करता है, और हमारी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हमें अलग अलग तरीके से इसकी बीमारियों को सिम्टम्स में सामना करना पड़ता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, पहला कि आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, सही तरह से आपको दिखता नहीं है, सर्दी नज़ला खांसी ज़्यादा होता है, और एक तरीके से बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ज़्यादा खाना भी नहीं लगता, और बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं, लिवर है, किडनी, वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अगर मेडिसिन की बात करी जाए तो आज तक की डेट में इसकी अभी कोई मेडिसिन नहीं बनाई गई, इस पर काम कर रहा है। बट इससे बचने के जो उपाय हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। जितना आप इस चीज़ के बारे में अपने आप को बचा के रखेंगे, ये बीमारी से दूर रखेंगे, ज़्यादा बेटर है कि आप आगे सेफ रहेंगे, है ना। खासतौर पे सबसे पहली बात तो आपको घर में ज़्यादा रहना है। घर में ज़्यादा इसलिए रहना है क्योंकि जैसे अलग अलग एटमॉस्फेयर होते हैं, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है ये जो बीमारी होती है ये छूने से फैलती है और बढ़ती है। अगर आप किसी कोरोना वायरस पेशेंट के टर्म्स में आ गए और उसने आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में किसी तरह से छींक दिया, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो मोस्टली जो गवर्नमेंट है आपको तीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोली कि आप मास्क पहने, ठीक है, उसके बाद सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हाथ धोएं, क्योंकि जितना आप उस चीज़ को साफ़ रखेंगे लोगों से किसी भी तरह से जो बीमारी फैलने के चांसेस है वो कम होंगे। तीसरी चीज़ घर में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर आप बाहर एटमॉस्फेयर में रहेंगे, लोगों के टच में रहेंगे और किसी को वो सिम्टम्स हैं जिसके अंदर कोरोना वायरस हो सकता है, तो उस सिम्टम्स से आपको बचना ज़रूरी है। इसलिए घर पे बोलने की जगह ये, अभी जैसे लेटेस्ट न्यूज़ हमने कल ही देखी है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया। इसलिए किया गया, लोग जितना घर में ज़्यादा रहेंगे, लोग एक दूसरे से टच में कम आएंगे, और आप अपने घर में रहेंगे तो हेल्दी तरीके से रहेंगे, ये बीमारी से दूर रहेंगे। अगर आप बाहर रहेंगे तो लोगों से टच में आ सकते हैं, ये बीमारी फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्लस आप ये सोचिए कि इसके अंदर अगर आप घर में रहते हो तो घर में आप किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले सबसे पहली बात तो आप दिन भर में 2 से 3 बार आपको नहाना है, नहाने के साथ आपको ऐसा हाइजीनिक साबुन का यूज़ करना है जो बॉडी के बैक्टीरिया को या दूसरी चीज़ों को साफ रखे। दूसरी चीज़, हर 1 से 2 घंटे के अंदर आपको पानी ज़्यादा पीना है, बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होने देनी। दूसरी चीज़, आप स्टरलाइज का यूज़ करेंगे, हाथ धोएंगे, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी ज़्यादा हाइजीनिक रहेगी, ज़्यादा क्लीन रहेगी। तीसरी चीज़, अगर आप घर के अंदर हैं तो ज़्यादा सेफ्टी है, घर के बाहर अगर आप निकलना है किसी काम से, किसी ज़रूरत से, तो आप मास्क पहनेंगे। मास्क से क्या होगा कि आप अगर किसी इंसान की टच में या कांटेक्ट में आते हो तो उससे आपकी सेफ्टी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कोरोना वायरस में खास तौर पे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, क्योंकि इम्यूनिटी जितनी हमारी बॉडी की अच्छी रहेगी, इस तरह से जो अलग अलग बीमारियाँ होती है, कोरोना वायरस होता है, तो इससे आपकी सेफ्टी हो सकती है। खाने में आपको खास तौर पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले तो आप सब्जियों का, वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करें। वेजिटेबल्स आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कुछ खास वेजिटेबल्स बताता हूँ, जैसे पालक। पालक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोटीन भी होता है और इम्यूनिटी पावर भी होती है। प्लस आप पालक के साथ ब्रोकोली हुआ, या फ्रूट्स में देखा जाए तो पोमग्रेनेट हुआ और आपका वाटरमेलन हुआ, ये एक तरीके से हाई इम्यूनिटी पावर फूड्स होते हैं जो बॉडी को बहुत हेल्पफुल देते हैं। अगर यह फूड लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी बनती है, और अगर किसी वजह से ऐसे कोई चांसेस होते हैं कि कोरोना आप पे इफेक्ट कर सकता है, तो आपकी बॉडी पहले से इतनी पावरफुल है, इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि आप उस बीमारी से बच सकते हो, अपने आप को सेव रख सकते हो। तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें आप मास्क का यूज़ कर रहे हैं, स्टरलाइज का यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा खाना खा रहे हैं, बॉडी को हाइजीनिक वे में आप
एक नहाने का उपयोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी इतनी मजबूत, इतनी स्ट्रांग हो गई है आपकी इम्यूनिटी कि अगर आप इस चीज़ के इफेक्ट में आते भी हो तो ये बॉडी आपकी बर्दाश्त कर सकती है। क्योंकि जितने भी केसेस आपने ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग देखे कि लोगों को इस तरीके से केसेस हो गए, तो पॉइंट ये था कि उनकी जो एज थी वो ज़्यादा थी, उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से परेशानियाँ थी, जैसे किसी को अस्थमा ज़्यादा था, किसी को कफ था, तो ये वायरस ने उस पर ज़्यादा इफेक्ट किया। और ज़्यादा एज होने की वजह से 50 साल की एज का या 60 साल की एज का अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसके अंदर क्या है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है। ये हेल्दी लोगों को होता है लेकिन कम होता है, उनको ज़्यादा होता है जिनकी कोई बीमारियाँ पहले से ही हैं, बॉडी वीक है, इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो उनको चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा चांसेस होने की वजह से उनको एक तरीके से सफ़र करना पड़ता है, इम्यूनिटी कम रहेगी तो ये वायरस उस पर ज़्यादा हैवी हो सकता है और बीमार भी हो सकता है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी सिर्फ ये मदद करना चाहता हूँ, ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि ये पहले जो बीमारियाँ हुई थी सार्स करके, जैसे मैंने आपको बताया सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत जल्दी हमला करता है, इस पर वायरस जो होता है बहुत हैवी हो जाता है जिससे हमें सांस लेने की परेशानी होती है, है ना। तो ये पहले भी हो चुकी है बट आज की डेट में जो कोरोना वायरस आया ये उससे 3 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरीके से इसकी जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो अभी तक नहीं बनाई गई है। इससे पहले जो सार्स हुआ था उस पर जो मेडिसिन बनाई गई थी तो उस पर इफेक्टिव थी, बट अगर यही मेडिसिन हम लोग कोरोना वायरस पे चला रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उस पर इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये जो बीमारी पहले से 3 गुनी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बॉडी को जितना बचाना ज़रूरी है बचाओगे तो आप क्या करोगे, उस चीज़ से इफेक्ट में भी नहीं आओगे और आपकी बॉडी भी सेफ रहेगी। अगर कोई इंसान इस चीज़ के इफेक्ट में आ चुका है तो उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आपके करीबी नज़दीकी एक अच्छा कोरोना सेंटर जाएं, हॉस्पिटल जाएं, वहाँ सारे चेक कराएं और डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। और अगर पूछेंगे तो हो सकता है इसकी क्योरिंग भी हो सके, काफ़ी सारे केसेस भी हों जो क्योर ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह हो चुके हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ लास्ट में आपको इतना बोलना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में होती है, अगर आप जितने प्रिकॉशंस रखेंगे हाइजीनिक वे में रहेंगे तो आज का जो दौर चल रहा है बहुत मुश्किल वाला है, क्योंकि पूरे 21 दिन का लॉकडाउन करा गया है हिंदुस्तान में, जिसमें आप भी जानते हो बहुत सारी परेशानी है खाने को लेके, पीने को लेके, काम को लेके, पैसों को लेके, बट ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, जान है तो जहाँ है। अगर आप इस चीज़ों का पूरा ध्यान रखेंगे खाने को लेके, पीने को लेके, हाइजीनिक को लेके और अपनी बॉडी को इम्यूनिटी को लेके, तो कुछ टाइम की बात ज़रूर है लेकिन डेफिनेटली हम इस बड़ी से बड़ी परेशानी और बीमारी में भी अपने आप को बचा लेंगे और आगे एक अच्छी सेहत, एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर अपनाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों को इस बारे में बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से कोरोना वायरस से बच सकते हैं और हमारी ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।